हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विजीन गैलरी। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता, जिसे हम तैयार करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसे हम बनाएंगे तवे पर। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 बैंगन लिए हैं, ग्राम में करीबन ये 250 ग्राम है। चाकू की सहायता से इसे हम इस तरीके से 2 पार्ट में काट लेंगे। इसे चेक कर लेते हैं, इसमें कीड़े तो नहीं हैं। तो ये देखिए बैंगन बिल्कुल साफ है, इसमें कुछ भी कीड़े नहीं हैं। तो इस तरीके से हम सारे बैंगन काट लेंगे। आप चाहें तो इसे 4 पार्ट में भी काट सकते हैं, पर इसे मैं 2 टुकड़े में काट रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने केवल 2 बैंगन का यूज़ किया है। मेरा एक बैंगन खराब निकल गया था, उसमें कीड़े थे, इसलिए मैंने केवल 2 बैंगन का यूज़ किया है। अब इसके ऊपर से हम लगा देंगे सरसों का तेल। आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं, पर सरसों का तेल मैंने यूज़ किया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही लेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, ये देसी टमाटर हैं। टमाटर के ऊपर से भी हम ऑयल लगा देंगे, अच्छे से मल लेंगे ऑयल। तो बैंगन और टमाटर के ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया है, इसे हम चलते भूनने के प्रोसेस में। तो गैस ऑन करेंगे, रखेंगे तवा गर्म होने के लिए। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, गैस की फ्लेम लो कर देते हैं। अब इसके ऊपर से हम रखेंगे बैंगन, साथ ही रख लेंगे टमाटर। अब इसे हम किसी भी बर्तन से कवर कर लेंगे, कोई भी गहरा बर्तन लेंगे इस तरीके का, इसे हम कवर कर लेते हैं। इसे हम लो फ्लेम पर 12 से 15 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। हर 4 से 5 मिनट बाद इसे हम इस तरीके से उलट पलट लेंगे, जिससे कि ये हर तरफ से अच्छे से भुन जाए, अच्छे से फ्राई हो। तो इसे भूनते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए बैंगन और टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं, इनका छिलका अलग हो चुका है। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं, इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। रख देते हैं ठंडा होने के लिए, तब तक हम बाकी की सामग्री देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बारीक कटी हरी मिर्च लिए 4 से 5, बारीक कटे लहसुन 4 से 5, 1 चम्मच जीरा, 1 बड़े साइज की प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है, 1 नींबू और 2 चम्मच सरसों का तेल। अब इसे हम भून लेते हैं। तो गैस ऑन करते हैं, फिर से रखेंगे तवा गर्म होने के लिए। इस पर डालेंगे सरसों का तेल। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, गैस की फ्लेम लो कर लेते हैं। अब इस पर हम डालेंगे जीरा, लहसुन और हरी मिर्च। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे, गैस की फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। इसके साथ ही डाल देंगे बारीक कटी अदरक। 2 मिनट तक इसे अच्छे से भून लेते हैं। तो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और जीरे को मैंने अच्छे से भून लिया है 2 मिनट तक। इस पर हम डाल देंगे प्याज। तो यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज की प्याज ली है, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। प्याज को भी हम लो मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, हल्का सा सॉफ्ट रखना है। प्याज को हम हल्का ट्रांसलूसेंट होने तक और कलर चेंज होने तक अच्छे से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है। तो ये अच्छे से भून चुकी है, गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, रख देते हैं ठंडा होने के लिए। इधर हमारा टमाटर और बैंगन भी ठंडा हो चुका है, इसके छिलकों को हम उतार लेंगे। इस तरीके से इसके हम छिलकों को अलग कर लेते हैं और चाकू से इसे हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो इसी तरीके से हम बैंगन के छिलकों भी उतार लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसके छिलके को निकाल लेते हैं, इसके पल्प को निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने लंबे वाले बैंगन यूज किए हैं, पर भरता बनाने के लिए गोल बैंगन ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें आपको पल्प ज्यादा मिलेगा, यानी कि गूदा ज्यादा मिलेगा। इसे मैंने निकाल लिया है, अब इसे हम मैश कर लेते हैं। आप चाहें तो मैशर का यूज़ कर सकते हैं, पर इसे मैं चम्मच से मैश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फोर्क का यूज़ किया है, आप चाहें चम्मच से भी मैश कर सकते हैं इसे। इसे अच्छे से मैश कर लेंगे।
तो इसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, ये देखिए। अब इसमें हम डाल देंगे भुनी हुई प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे नमक, जो कि रहेगा एस पर टेस्ट। मिक्स कर लेते हैं इसे। अब इसमें डाल देंगे ताजी धनिया की पत्ती, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। साथ ही डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच नींबू का रस। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा बैंगन का भरता बनके तैयार है, इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बैंगन का स्वादिष्ट भरता बनके तैयार है। इसे आप रोटी, दाल, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।